हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओहो, चारों एक्टर्स एक ही फ्रेम में अपने अपने कमरे में सो रहे। आपने कैसे फोटो खींची इनकी? हम लोग जब इस फिल्म की शूटिंग करने गए थे तो कोविड तब खत्म ही हुआ था, मतलब फिर भी हमको 14 डेज का क्वारंटीन साथ में करना था, तो हम सब ने साथ में लंदन में क्वारंटीन किया। यार बड़ा मजा किया आपने फिल्म में, तो खाया पिया इतना, 14 दिन मुफ्त में लंदन रहे, बाहर भी नहीं निकले, बाहर जाते इन द रूम लूडो खेल रहे थे। तो उस वक्त हम लोग ना एक दूसरे के स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं, कोई कुछ भी मस्ती करता, सबके फोन ऐसे बाहर आ जाते हैं। और तो हमारे पास इतना मसाला है अगेंस्ट ईच अदर, लाइक आई कीप सेइंग सोनाक्षी का फोन अगर गायब हो जाए सबसे ज्यादा मैं परेशान होंगी, क्योंकि इतने वीडियोज और पिक्चर्स है इसके पास मेरे, मेरा करियर खत्म कर सकती है। मेरे पास दिखाइए नीचे कमेंट्स। दोनों लड़के मुंह खोल के सो रहे हैं, कहीं कोई मोबाइल ना चार्ज करके चला जाए। सोनाक्षी का फोन देख के लग रहा है सिर्फ इन्होंने अलार्म लगाया है, बाकी उन्हें पैग लगाया है। ये बात सही भी हो सकती है। और दिखाइए। शी इज ए रियल वर्क ऑफ आर्ट दिस वन, वेरी नाइस पिक्चर। वैसे वो पेंटिंग मेरी है। आपने बनाई है? वेरी नाइस। पर आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। मैडम आप पेंटिंग पे गिरी थी या पेंटिंग आप पे? आपकी ड्रेस देख के समझ नहीं आ रहा, कृपया स्पष्ट करें। कंजूसी की हद देखो, आर्टिस्ट को पेंटिंग बनवाने के लिए बुलाया था, उसी पैसे में कपड़े भी पेंट करवा लिए। अबे आर्टिस्ट मैं यू। और दिखाइए। अरे यार खत्म हो गई, ये मेरे को बड़ा मजेदार लगता है पढ़ना। दोस्तों हमारे बीच फिल्म डबल एक्सेल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मिस्टर सतराम रमानी। रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है, आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई, नहीं बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपकी फिल्म का। जी और सर। जिस एक्टर के साथ आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती है उसके साथ सेटल हो जाइए, सोफे हमारे पास यही है। रमानी साहब सबसे पहले ये बताइए, आप सोशल मुद्दों पे बड़ी फिल्में बनाते हैं? सर ऐसा नहीं है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी वो फिल्म बनाते हैं। हाँ कुछ बात कहना चाहते हैं। ये मुदस्सर का आइडिया था? जी जी, एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा अच्छा आइडिया है, और बहुत बहुत मुबारक सर आपको। थैंक यू सर। और मैंने सुना है सर आपके बारे में, कहते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जो जोक्स फॉरवर्ड करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। अभी हुमा मुझे बता रही थी। सर आपसे सीखा है। एक्चुअली हुमा को पसंद नहीं है मेरे जोक्स, तो मुझसे पूछा कहाँ से आते हैं ये जोक्स, तो मैंने बोला कपिल सर से आते हैं। तो आप अपने गंदे जोक्स का क्रेडिट इस आदमी को जाता है। मेरे जोक्स होते नहीं, हमारी तो बातें होती हैं। सर एक मुजाहिरा जरा एक हो जाए, मुजाहिरा एक चुपला हो जाए सर, मजा आ जाए। रमानी साहब सेट पे एक दिन मेरे को पूछा हुमा ने कि बहुत हेडेक हो रहा है सर मुझे, तो मैंने बोला आपको हेड एक है और उसमें भी हेडेक। ओ माय गॉड। सर इसका श्रेय आपको दे रहा है। सर मैं आपसे एक वैसे दिल की बात करना चाहता हूँ, कोई भी जितना भी मर्जी क्लोज आपका फ्रेंड हो, कोई अगर आपको कहे ना कि चुटकुला सुनाओ, आपने नहीं सुनाना। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, पर जो ये काम करते हैं ये उसमें मास्टर हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने, और सर बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में ये जो भाव आते हैं कभी कि मेरा वजन कम है या ज्यादा है, ये दूर हो सकेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। साहब डबल एक्सेल की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहां बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है? कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़ दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब बेड़ा ही करके हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। मुंह से नाराज हो ये ना, किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात।
यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है उसे मनाते हैं, रोकते हैं, एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ, मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया, हट। हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर। यही ऐसा हुमा जी, आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी, इस बार आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार ये मैंने ट्राई किया था लेकिन आज नहीं करूंगा मैं। क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अर्चना जी मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा पजामी पजामी जल गई और चूड़ी चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता हूँ, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेकर चलता हूँ। क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं? तोता बन के घूमू यहाँ पे? हुमा जी आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी हुमा जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की आपने महारानी की। हाँ। जी फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ। अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती। साथ में बता भी दिया करो ये जोक रमानी साहब के लिए, कैमरा उन्हीं पे रखें और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी अपना मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या क्या वीजा रिजेक्ट हो गया। नहीं नहीं वो मेरी वहाँ कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था। हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब, मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पेन है, ये भी तीखा। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहां सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। देखो रमानी साहब देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में, तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं उसे अलग सीख मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, चड़बड़ाहट बच जाती है। वही हो गया वहां पे, ऑडियंस हड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों? सोना साहब से जाएंगे। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में। भाई सुनाई के। तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं तो तब तो बोल सकते थे ना आप? बोल सकता था पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पर रखा हुआ था ना। फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो कोई। हाँ। तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इसे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ। मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है तो और ऐसे नहीं, मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं पहले हाथ पे गिरे। हाँ। तो मुझे मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया,
तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हुई कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूँ तो उन्होंने आके फिर करके मारा ना, तो ये मुझे आइडिया लग गया। उस्ताद जी, क्या आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यस, कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं, अभी अंडा देना बाकी है। क्या बात है। जैसे अभी यहाँ पे वजन की बात हो रही थी, ये फिल्म भी इसी के बारे में है कि सपने बड़े होने चाहिए, इंसान का साइज नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा वजन के या कम वजन के फायदे नुकसान, जो भी आप बताना चाहें अपने तरीके से, आप लोग एक एक करके, मैं सबके पास आता हूँ। लेडीज फर्स्ट। हेलो कपिल। हेलो मैम। हेलो अर्चना जी। सर मेरा नाम शिल्पा है। हेलो शिल्पा। और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा देशों में देश, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। जी हाँ, शुरुआत भी मीठे से, खत्म भी मीठे से। क्या बात है। मुझे आपने जैसे बोला कि वजन का भाई फायदा है या नुकसान है, मुझे तो फायदा भी लगता है थोड़ा सा। अच्छा। सेल का सीजन आता है, लेडीज और सेल्स सबसे पूछेंगे आप, सब बोलेंगे डिस्काउंट सबसे ज्यादा पसंद है। जेंट्स को भी पसंद होता, मानते नहीं है मुंह पे। तो सर जब भी सेल लगती है ना, मुझे सबसे कम टेंशन होती है, इनको सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज और मीडियम साइज तुरंत निकल जाता है। अच्छा। लेकिन डबल एक्सेल साइज बचा रहता है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो फायदा है। टेक्निकल बात है। आपकी पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ, आई लव इट। थैंक यू सोनाक्षी मैम, थैंक यू। शुक्रिया शिल्पा जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो कपिल सर, मुझे वजन बढ़ाने से मुझे एक चीज की दिक्कत होती है। एक तो है कि लेस बांधने के लिए हमें झुकना पड़ता है। और जब हम झुकते हैं तो हमें लेस नहीं बांधनी चाहिए। आज की तारीख में भी हम अभी लेस के, बिना लेस के हम शूज पहन रहे हैं, स्लिप ऑन। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई फंक्शन में चले गए या कोई पार्टी में चले गए तो खाना खाते तो हमें पहले देखते, बाकियों को बाद में देखते कि भैया ये कोई कुछ ज्यादा ना ले लीजिए। एक फायदा मेरे लिए तो बहुत है कि हम कहीं गए, जैसे हम कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं गाड़ी में गए, इसे पहले आगे बिठा दो, बाकी हम लोग सब समा जाएंगे। आज देखिए सर, मैं यहाँ पे, हम लोग चार जने, अगर मैं और नहीं यहाँ पे होता तो और दूसरा दो आ जाते सर। सर स्वीट सर, आप बड़े क्यूट हैं। पर आपका वजन शुरू से इतना है कि बाद में बढ़ा? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आई एम ए क्रिकेटर। अच्छा। एयरलाइंस की बहुत सारी क्रिकेट खेलता था। अच्छा जी। आई एम ए गुड प्लेयर, मैं आई एम ऑलराउंडर। लेकिन क्या होता है सर, एक जेनेटिक होती है, तो सर वो कुछ नहीं कर सकते उसे। नहीं पर सर ऐसा नहीं है, अगर आपको खुद लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम करना है तो आप कर भी सकते हैं। सर मैं करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, एवरी मॉर्निंग सर मैं योगास भी करता हूँ, मैं ट्रेडमिल में भी चलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कीप इट अप सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू सर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, ये हमारी टीम में है अजय वोरा जी। अजय भी कुछ कहना चाहता है। हेलो सर। हेलो, तू क्यों हेल्प कर रहा है, मेरे साथ ही आया। यस सर, बेसिकली वजन जो है वो है, पर फायदा नुकसान तो हर एक चीज का होता है। तो फायदा ये होता है कि मैं जा भी जाता हूँ ना, लोगों को लगता है ये भाई व्हाट है इसका, कुछ तो है। डॉन आ गया। हाँ, एक कुछ तो आ रहा है, एक वाइब, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हम लोग। तो एक फायदा ये है। नुकसान ये है कि जितना भी अच्छा कपड़ा पहनू, जितने भी अच्छी हेयर स्टाइल करूँ ना, क्यूट है बस। क्यूट अच्छे, पर हमें एक्सपेक्टेशन तो हो गए ना कि हमें बोले कोई हॉट दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, क्यूट पे हैंड हो जाता है। तो ये मेरा मुद्दा है कि यार हम ऐसा क्या करें, अभी है तो है वजन। अच्छा, वो जैसे भाई साहब ने बात की, कई बार चीजें जेनेटिक होती हैं। ये मुझे बोलता है, मैं कहा देख मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं कहा तू भी वर्कआउट कर रहा था? सर मैं भी कर रहा हूँ। कुछ नहीं सर, सब बंद है। अगले दिन आया नहीं है। मैं कहाँ था? कहता मैं बीमार हो गया था। मैं क्या? कहता मैंने आइसक्रीम खा ली थी। हा? मैं कितनी? कहता 750 ग्राम। सर 250 ग्राम पे तो टेस्ट आया कि क्या है, बाकी का 250 ग्राम खाते खाते 400 ग्राम का मिल्कशेक हो गया, तो पी गया 750। ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। हाँ। तो तू बहाने मत बना, तू वर्कआउट किया कर, चुपचाप बैठ लीजिए। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। माय सेल्फ मीत, और मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन हुमा मैम से, कि मैम हमारे साथ जनरली क्या होता है कि जैसे 2-3 महीनों में हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो क्या करते हैं कि पेंट की जो सिलाई होती है वो हम खोल देते हैं, तो पीछे वी का मार्क आ जाता है उसमें।
तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो करते हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसा सब कुछ करते हैं, या फिर कोई मॉल वगैरह में जाके प्लस साइज का पैंट वगैरह खरीद के ले आते हैं? बहुत फनी सवाल था आपका, आपको ये बस सब सर हर कोई कपड़े ऑल्टर कराता है, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, वेट क्यों ना पुट ऑन करे, कम क्यों ना करे, तो ये भी वाली प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया पुनीत जी। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज़हाबिया मसाला वाला। ज़हाबिया, ज़हाबिया बड़ा यूनिक नेम है आपका, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब गोल्ड है। जैसे आप बात कर रहे थे कि मोटापा मतलब वजन बढ़ाना और घटाना ये प्रॉब्लम है, बट मेरी तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है मेरी हाइट। मुझे जब कार में जब जगह नहीं होती तब मुझे किसी के गोद में बैठना पड़ता है, और गोद में बैठने से भाई मेरी हाइट तो फिट होती नहीं। कितनी हाइट है आपकी ज़हाबिया? 6 feet। You are very lucky. What a lovely height for a girl, yaar. मतलब models तो मरते हैं इस height के लिए। I think she'll be stunning on the ramp, huh? Yeah, she's so beautiful. आपके लिए तो option ही, चलती flight में से लड़का उतार के शादी कर सकती हैं। किसी के घर में आम लगे हो तोड़ सकती हैं आप, नहीं? ऐसे फायदे गिनाओ उनको। जो आपकी height है, आप सुंदर हो। Thank you, ज़हाबिया, शुक्रिया। दास दादा, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो एवरीवन, सोनाक्षी बताओ, दास दादा हाउ ओल्ड ही इज? सर वही प्रॉब्लम है सर, वही मैं बताना चाहता था। क्या क्या? मैं, मेरा कोई मोटा का भी प्रॉब्लम नहीं, ना पतले का प्रॉब्लम है। मेरे को, मैं जब बस में आता तो मुझे सीनियर सिटीजन के सीट पे बैठने नहीं देता है। क्यों? पता नहीं, पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आप सीनियर सिटीजन लगते ही नहीं हो। तो आप इस बात से दुखी हो? हाँ, तो मैं सीट लेने के लिए, वैसे तो बड़े खुश हैं। कोई भी यंग लड़के लोग भी बैठ जाते हैं तो मुझे सीट नहीं मिलती है। तो बाल काले करना बंद कर दो, आपको बात तो सही बोली अर्चना मैम। आपकी हरकतें भी नहीं है सीनियर सिटीजन वाली ना। आप जब डांस वांस करते हो कहाँ दास दादा? दास दादा आज आपको डांस करना, हुमा के साथ इधर आओ आप। सोनाक्षी जेन्युइनली आप, दास दादा कमर, कहीं आपकी कमर नहीं लचकती, आइए। आज से कोई आपको दास दादा नहीं कहेगा, सब आपको डांस दादा कहेंगे। जी सर। हाय एवरीवन। हेलो, मैं निहार बेहरा ओडिशा कटक से आया हूँ। अच्छा जी, मैं आज ये ऐसा एक बात बताना चाह रहा हूँ कपिल शो प्रोग्राम के बारे में, कि मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में थे और उन्होंने डिनर के बाद मेडिसिन लेना था, सो मैं उनको बोला मेडिसिन ले लीजिए, तो टाइम हो गया शो के चलते, तो वो बोले कि मुझको कपिल शो प्रोग्राम पहले देखना है। तो मैंने बोला चाचा जी पहले मेडिसिन तो ले लीजिए, फिर नहीं, मेरे को एक मिनट टाइम लॉस नहीं करना है, मेरे को इमिडिएटली देखना है, तो मैंने इमिडिएटली लगाया, उसके बाद वो देखने के बाद फिर जाके मेडिसिन लिया। वो बीच में मैंने उनके फेस पे जो मुस्कुराहट देखा, जो फीलिंग्स देखा, कि कितना वो मिक्स हो गए हैं वो शो में, तब मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि चलो यार कोई तो ऐसा प्रोग्राम है जो कोई कॉमेडी नहीं करता है, चमत्कार करता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कॉमेडी होता है, मैं बोलता हूँ चमत्कार है, क्योंकि मेरा चाचा जी उसको देख के पूरा भूल ही गए यार, उनका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है, वो कॉमेडी को देख के हंस रहे हैं। दिस इज द रियल थिंग। ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपके चाचा जी की सेहत में सुधार आ रहा है, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। उस बदौलत मैंने आपके लिए कुछ यूनिक चीज बनाया है। अच्छा, जो कि चारों धाम से एक धाम हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर है, उसका शेप में पूरा लकड़ी का एक बनाया है मंदिर, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया सर जी, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या हाल है सर, कैसे हैं? शुक्रिया सर, बहुत ब्यूटीफुल है, जय हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है सर, ये बहुत ही खूबसूरत है, और कितनी बारीक मीनाकारी की आपने, वाह यार, थैंक यू सर जी, शुक्रिया, ये सबसे प्यारा गिफ्ट है आपने जो मुझे आज दिया है, धन्यवाद सर जी, शुक्रिया, शुक्रिया, आइए, थैंक यू सर जी, लव यू टू सर। उमा, जहीर, रमानी साहब, सोनाक्षी महत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, और बहुत मजा आप लोगों के साथ आज की शाम में, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और ढेर सारी शुभकामनाएं डबल एक्सेल के लिए, थैंक यू। दोस्तों, इंसान कैसा भी दिखता हो, मोटा पतला लंबा छोटा, जो भी रंग रूप हो, सब ये ईश्वर की देन है,
हर इंसान को खुद से प्यार करना आना चाहिए और दूसरों की इज्जत करना आना चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, इसी कोशिश में हम आपसे मिलते रहेंगे हर शनिवार और रविवार। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।